हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज है 15 जुलाई और आज नैनीताल में मौसम बहुत ही अच्छा है। अभी आपको लेक के पास से दिखाती हूँ। आज बिल्कुल बारिश नहीं हुई है और बहुत ही सुहावना मौसम रहा है। तो अभी दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बोट हाउस क्लब के पास हूँ और यहाँ से अभी इधर दिखाती हूँ आपको। पहले देखिए, मौसम बहुत ही शानदार है आज, खुला हुआ बिल्कुल। आज तो सच में ऐसा लग रहा है कि नैनीताल में बारिश ख़त्म हो चुकी है। देखिए इधर कितने अच्छे फ्लावर्स हो रहे हैं। देखिए देखिए, अभी मैं बिल्कुल लेक के पास हूँ, बोट स्टैंड पे। और सामने आप देख सकते हैं कितना सुंदर ग्रीन एटमॉस्फेयर है और बहुत ही सुंदर लग रहा है अभी। देखिए इधर, देखिए क्योंकि अभी थोड़ा सा भीड़ भाड़ है नैनीताल में। बीच में टूरिस्ट सीज़न बिल्कुल ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट, पर अभी आजकल 2-3 दिन से काफ़ी भीड़ भाड़ है, चहल पहल हो गई है नैनीताल में दोबारा से। तो इधर देखिए सामने, तो चलिए यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाती हूँ कि नैनीताल में काफ़ी चहल पहल हो रही है अभी, भीड़ भाड़ है। ये देखिए, तो देखिए ये जगह वैसे भी आप लोग देखते ही रहते हैं, अभी यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ है। देखिए ऐसे फ़ोटोज़ आप खिंचवा सकते हैं 150 रुपये में, तो 150 चार्ज है इसका। और उसके अलावा यहाँ से आप बोटिंग के टिकट्स भी ले सकते हैं। देखिए सामने बड़ा अच्छा लग रहा है अभी, थोड़ा इस साइड चलते हैं आज। ये देखिए धूप में सामने अम्ब्रेला का शेड कितना प्यारा आ रहा है। वैसे भी कल सैटरडे संडे है ही अभी, और सैटरडे संडे तो यहाँ सीज़न रहता ही है, लेकिन अभी 2-3 दिन से यहाँ पे थोड़ा सी भीड़ भाड़ बढ़ गई है। बीच में खाली हो गया था, लेकिन अभी एक चीज़ अच्छी है कि होटल्स के रेट काफ़ी कम हो गए हैं नैनीताल में। जो होटल्स पहले 2000 के आसपास थे, अभी वो हाफ रेट में मिल रहे हैं। तो देखिए देखिए कैंडीज़ भी मिल रही है यहाँ पे, बहुत कलरफुल कैंडीज़ हैं अलग अलग कलर्स की। और वैसे ही देखिए अलग अलग कलर्स के अम्ब्रेलास हैं। तो अगर आप लोग आते हैं और अम्ब्रेला नहीं लाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मिनिमल रेट के अम्ब्रेलास मिल जाते हैं, 100-150 रुपये में आपको बहुत अच्छे अम्ब्रेलास यहाँ मिल जाएंगे। तो देखिए सामने इस टाइम नज़ारा बहुत खूबसूरत है, मौसम पूरा खुला है और बहुत अच्छी धूप आ रही है। बच्चे खेल रहे हैं, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये टाइम जो है नैनीताल का, ये बड़ा अच्छा टाइम होता है इस टाइम पे। देखिए आप कहीं भी देख सकते हैं फ्लैट्स में, बच्चे अभी खेलने में व्यस्त हैं सारे, प्रैक्टिस चल रही है। तो देखिए हालांकि अभी ठंडा नहीं है नैनीताल में, फिर भी यहाँ पे गर्म कपड़े हमेशा अवेलेबल होते हैं। ये देखिए इधर देखिए सारी दुकानें सजी हुई हैं। देखिए
देखिए मैं आई हूँ अभी फ्लैट्स की तरफ और बहुत सुंदर यहाँ पे लग रहा है, बड़ा अच्छा सा एटमॉस्फेयर है। इस साइड पे आपको दिखाती हूँ मैं नैनीताल, ये देखिए इधर देखिए मौसम बहुत साफ़ है और एकदम क्लीन है। तो बारिश कल क्योंकि बहुत ज़्यादा थी तो बारिश के बाद सब कुछ धुला धुला सा लग रहा है अभी और बहुत अच्छा लग रहा है। और वहाँ पे सामने आप देख सकते हैं ट्रॉली जा रही है, थोड़ा सा जूम करके आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए। तो ये देखिए ये जो ट्रॉली है ये जाती है यहाँ से सीधे ऊपर स्नो व्यू की तरफ। तो किसी दिन आपको स्नो व्यू का एक वीडियो बना के दिखाऊंगी मैं, तो बड़ी अच्छी राइड रहती है इसकी। देखिए देखिए सब कुछ इतना हरियाली से भर गया है आजकल कि बड़ा खुशनुमा सा मौसम है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि आज बारिश भी नहीं हुई है तो सब कुछ इतना क्लीन है, बिल्कुल सूखा सूखा और बहुत ही हरा भरा। देखिए सामने कितना सुंदर नज़ारा है। तो दोस्तों मैं अभी आई हूँ ठंडी सड़क की तरफ, हालांकि ये रोड जो है ये आगे से अभी बंद कर रखी है क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ था वहाँ पर, तो उस वजह से रोड अभी आगे से बंद है, बस थोड़ी दूर ही जा सकते हैं। तो अभी यहाँ से लेक का नज़ारा दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से अभी नीचे की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा लेक का नज़ारा भी लेंगे, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे भी। तो देखिए यहाँ से नीचे उतरेंगे अभी, और देखिए मेरे इस साइड पे अभी नैना देवी मंदिर है, वो भी दिखाती हूँ अभी आपको और साथ ही लेक का व्यू भी दिखाऊंगी। तो इधर देखिए तो ये देखिए यहाँ से आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। देखिए तो देखिए अभी मैं हूँ बिल्कुल लेक के पास और ये देखिए यहाँ पे मेरे लेक है और सामने बड़ी अच्छी लाइट पड़ रही है लेक में इस टाइम पे। ठीक है नीचे थोड़ा और नीचे उतरते हैं, ये देखिए, और ये देखिए बोट जा रही है अभी वापस अभी डेस्टिनेशन की तरफ। देखिए बड़ा सुंदर सा नज़ारा है इस टाइम पे, लाइट बहुत अच्छी है जैसा कि आप देख सकते हैं। इधर देखिए दूर तक सिर्फ लेक ही लेक दिखाई दे रही है और बहुत सुंदर लाइट पड़ रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है इस टाइम यहाँ पे, और ठीक इस साइड है माँ नैना देवी का मंदिर, तो आप मंदिर के दर्शन भी यहाँ से कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में आरती का टाइम होने वाला है। तो फ्रेंड्स मैं अभी बिल्कुल लेक के पास बैठी हूँ और बहुत ही अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे, बहुत अच्छा सा लग रहा है इस टाइम पे। तो एक्चुअली मैं आज गई थी हल्द्वानी किसी काम से, वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा उमस थी कि थोड़ी परेशानी होने लगी थी, लेकिन अभी नैनीताल वापस आके बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और ख़ास तौर पे अभी गर्मियों के टाइम पे, आज इस टाइम पे मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है यहाँ पे, बहुत सुहानी सी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी इधर की साइड थोड़ा सा दिखाती हूँ मैं आपको लेक का नज़ारा, और क्योंकि मैं बता ही नहीं सकती आपको कि कितनी अच्छी फीलिंग है ये वाली कि मैं बिल्कुल लेक के पास बैठी हूँ, बिल्कुल पानी के नज़दीक हूँ। और इधर देखिए आप बिल्कुल, तो मेरे बिल्कुल पास मछलियाँ भी हैं, अटकेलियाँ कर रही हैं मछलियाँ भी, तो
काफ़ी पीसफुल सा है ये सब कि मैं यहाँ बैठी हूँ आराम से और नज़ारे का मज़ा ले रही हूँ, तो आपको भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरे बिल्कुल पास है लेक और बड़ी प्यारी हवा चल रही है अभी। तो जो लोग प्लेन्स में बैठ के देख रहे हैं गर्मी में, उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगेगा ये देख के। और सामने आप देख सकते हैं मछलियाँ पानी में डुबकियाँ लगा रही हैं। और इधर देखिए साथ ही साथ आप मौसम देख सकते हैं, इस टाइम बिल्कुल खुला हुआ है आसमान, हल्के हल्के से बादल हैं बस, और बारिश के फ़िलहाल कोई चांसेस नहीं है अभी। तो आप लोग अगर नैनीताल आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, आराम से यहाँ आइए, यहाँ घूमिए, क्योंकि इस टाइम मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का, बारिश ज़्यादा अभी नहीं है। और जैसा कि लोग पूछते हैं कि क्या नैनीताल आना सेफ़ है, तो हाँ जी बिल्कुल सेफ़ है नैनीताल आना, और इस टाइम पे होटल्स रेट भी बहुत कम हैं। तो आप आइए नैनीताल को एंजॉय कीजिए, नैनीताल के मज़े लीजिए। यहाँ इस टाइम मौसम भी अच्छा है, वेदर बहुत शानदार है, खाने पीने की सब सुविधाएं अवेलेबल हैं, रहने के लिए अच्छी जगह मिल जाएंगी। तो आप आइए और नैनीताल को एंजॉय कीजिए, मोस्ट वेलकम। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। बस थोड़ा सा मैं आपको नैनीताल दिखाना चाहती थी कि नैनीताल आज कैसा हो रहा है, नैनीताल का मौसम कैसा है अभी, और थोड़ा सा अपडेट देना चाहती थी बस नैनीताल के बारे में। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं नैनीताल तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और नैनीताल आइए, नैनीताल को इन्जॉय कीजिए, हमारा जो शहर है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप आएँ तो नैनीताल को प्लीज़ साफ़ सुथरा बना के रखिए, यहाँ पर कूड़ा ना फैलाइए, और नैनीताल की जो शान है उसको वैसे ही बरकरार रखिए। तो दोबारा किसी नए वीडियो में आपको मिलूंगी, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।